Hare Krishna, and a very happy morning to all of you. Students, in the previous class, I discussed the word meaning, back exercise of lesson 1. Okay? In the back exercise, I discussed take the correct option, right and wrong, question and answers. Okay? But there is some more exercise in this lesson, and today I will tell you about all these exercises. So, page number 8, it is given singular and plural. As all of you know about singular and plural words, okay, singular means one thing and plural means more than one, okay. So, here are some words given, and this is a rule given which I am going to read. The nouns which end with Y are made plural by removing Y and adding IES. Here it is written, yahan par likha hai, कि वो नाउंस जो वाई जिनका एंड लेटर जो होता है वाई होता है जिनके एंड में वाई लेटर आता है उनको प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है कि हम उसमें से वाई हटाएंगे और उसमें आई ई एस लगा देंगे वहां पर तो उसका प्लूरल बन जाएगा. ओके, लेट अस लुक विद अ एग्जांपल. बटरफ्लाई, ये देखिए अब यहाँ पर इसका एंड लेटर क्या है वाई, इसमें हम वाई हटा के यहाँ पर आई ई एस लगाया तो यहाँ पर क्या हो गया बटरफ्लाई का प्लूरल हो गया बटरफ्लाइज. Butterfly means one butterfly and butterflies means more than one butterfly. Okay. Next is page number 9. Here it is written FLY fly. Fly means होता है मक्खी. Okay. And fly का plural बनाने के लिए हमने y हटाया, FIES add किया, fly का plural हो गया flies, more than one fly. Okay. Fairy. Fairy means परी. यहाँ पे देखिए एंड लेटर y है, इसमें y को रिमूव करेंगे, IES ऐड करेंगे, फेरी का प्लूरल हुआ फेरीज. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज बेबी. बेबी का प्लूरल करने के लिए y हटा के IES ऐड करेंगे, बेबी का प्लूरल बन गया बेबीज. क्लियर? नाउ हियर इट इज गिवन मेक प्लूरल ऑफ द नाउंस गिवन बिलो. यस, सम ऑफ द वर्ड्स आर गिवन हियर. द फर्स्ट वर्ड इज पपी. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दैट रूल, कि अगर उस रूल में हमने क्या पढ़ा अभी, कि अगर किसी भी नाउन का एंड लेटर वाई है तो वहां पर उसमें हम वाई हटा के इफ वी एड आई ई एस देन द सिंगुलर कन्वर्ट्स इनटू प्लूरल वर्ड. ओके, देखिए अब पपी में एंड लेटर वाई है, हम इसमें वाई को रिमूव करेंगे एंड आई ई एस ऐड किया यहाँ पर तो पपी का प्लूरल हो गया पपीज. डायरी, वाई हटा के आई ई एस ऐड करा, डायरी का प्लूरल डायरीज. डेजी इज अ काइंड ऑफ फ्लावर एंड वी विल रिमूव वाई फ्रॉम डेजी एंड एड IES, so daisy will convert into daisies. Clear? Now next rule is, remember if a noun ends with y. यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि अगर कोई noun का end y letter से हो रहा है, but before y there is a vowel, but अगर y के पहले उसमें vowel है, vowel कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. As all of you know, there are 5 vowels. तो अगर y लेटर है और y के जस्ट पहले वॉवल है तो हमको उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उस वर्ड के लेटर एंड में s ऐड कर देंगे. ओके, सो नाउ वी सी विद द एग्जांपल्स. नाउ मेक द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स एज प्लूरल. हियर सम वर्ड्स आर गिवन हियर एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू प्लूरल वर्ड्स. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज बॉय, बी ओ वाई बॉय. सो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या रूल बताया कि अगर एंड लेटर वाई है और उसके पहले वॉवल है तो आप देख लोगे ओ के पहले वाई के पहले ओ वॉवल है, सो वी विल ऐड एस इनटू बॉय, तो बॉय कन्वर्ट हो जाएगा बॉयज में. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज मंकी. मंकी में एंड लेटर वाई है, वाई के पहले ई वॉवल है तो हम मंकी में एस ऐड करेंगे तो मंकी का प्लूरल हो जाएगा मंकीज. डोंकी, वाई के पहले ई वॉवल, एस ऐड करेंगे डोंकी का प्लूरल डोंकीज. की में भी वाई एंड लेटर है एंड वाई के पहले ई वॉवल है तो इसमें भी एस ऐड करेंगे तो ये की का प्लूरल हो जाएगा कीज. नेक्स्ट इज रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स. ओके, हियर सम जंबल्ड वर्ड सम जंबल्ड स्पेलिंग्स आर गिवन हियर एंड यू हैव टू रीअरेंज दीज स्पेलिंग्स. ओके, ये कुछ जंबल्ड स्पेलिंग्स दी हुई है और इन जंबल्ड स्पेलिंग से कोई वेजिटेबल का नेम बन रहा है. ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना है, आप सोचेंगे तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कौन सी वेजिटेबल का नेम बन रहा है. यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सॉल्व करके रखी हुई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए पहला वर्ड इसमें दिया हुआ है एन बी आर आई एन बी जे आर आई ए एन. ठीक है, ये देखिए कोई भी ये वेजिटेबल का नेम लग रहा है आपको इसमें, नहीं ना, अब हम इससे वेजिटेबल बनाते हैं सो द वेजिटेबल द स्पेलिंग विल बी द
B-R-I-N-J-A-L, brinjal. Brinjal means wagon. Okay? The second word is N-O-I-O-N. This is not any word, this is not the name of any vegetable. So we will rearrange it. So kya isse banega? O-N-I-O-N, onion. Onion means pyaaj. Okay? The next given here is A-T-O-M-O-T. इससे क्या बनेगा? टोमेटो. नेक्स्ट इज सी टी डबल आर ए ओ. इससे जो वेजिटेबल का नेम बनेगा दैट इज कैरेट. स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 10 सम मोर जंबल्ड स्पेलिंग्स आर गिवन हियर बट आई हैव नॉट डन इट. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ओके, आपको ये जो जंबल्ड यहाँ पर ये दिए हुए स्पेलिंग्स दी हुई है कुछ, ये मैंने नहीं करा, आपको इसको खुद सोचिए, सोच के आपको इसका आंसर यहाँ पर लिखना है अपनी बुक में. ओके, सो यहाँ पर ये देखिए फिफ्थ वाला ये है, इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे. कौन सी वेजिटेबल बन रही है इससे? सिक्स, इससे जो भी वेजिटेबल बन रही है वो आप यहाँ पर लिखिए. सेवन्थ से जो भी वेजिटेबल बन रही है यहाँ पर. एंड एट इस जंबल्ड स्पेलिंग से जो भी बन रहा है करेक्ट स्पेलिंग वो आप यहाँ पर लिखेंगे वेजिटेबल की स्पेलिंग. क्लियर? नेक्स्ट इज कंप्लीट द फ्रेजेस एंड मैच देम विद पिक्चर. व्हाट इज गिवन हियर? यहाँ पर कुछ वर्ड्स ये दिया हुआ है. देखिए फर्स्ट नंबर पर दिया अ नाइस, उसके आगे आप देख रहे होंगे एक लेटर इन्होंने यहाँ पर दिया है सी. सबके आगे एक एक सी, यहाँ पर एस ई एस एस एल. इसका मतलब है कि यहाँ पर शुरू होने वाला जो वर्ड है वो सी से, सी लेटर से शुरू होगा. ठीक है, फर्स्ट आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ दीज पिक्चर्स. व्हाट पिक्चर्स आर गिवन हियर? लेट अस सी. दिस इज शर्ट, एस फॉर शर्ट. दिस इज कार, सी फॉर कार. दिस इज सोल्जर, एस फॉर सोल्जर. This is an elephant, this is lawn, and this is swan, and it is also called duck. Okay, now we see this. Here it is a nice. So the word will start from C letter. So we will see which picture the name, which picture's name is starting from C letter. हम देखते हैं यहाँ पर किस picture का name जो है वो C letter से शुरू हो रहा है. देखिए यहाँ पर C से कार शुरू हो रही है और इसके अलावा किसी भी पिक्चर का नेम सी से शुरू नहीं होता है. तो यहाँ पर क्या आएगा? अ नाइस कार. अ क्लीन, एस से शुरू होने वाला है. एस फॉर शर्ट, एस फॉर सोल्जर. एंड नो अदर वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एस फॉर स्वैन आल्सो. बट अ क्लीन, क्लीन आप सोचिए क्लीन मतलब होता है साफ. तो साफ के लिए हम स्वैन तो नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली अ क्लीन शर्ट होगा यहाँ पर. ओके, अ बिग, ई लेटर से शुरू होगा. इनमें से कौन सा वर्ड ई लेटर से शुरू हो रहा है? एलिफेंट. तो यहाँ पर अ बिग एलिफेंट. ओके, फोर्थ वर्ड इज अ ब्रेव. हियर लेटर इज गिवन एस. ब्रेव मींस बहादुर. ठीक है, तो यहाँ पर एस लेटर से ब्रेव बहादुर कौन होगा इसमें से? सोल्जर. सो द आंसर विल बी अ ब्रेव सोल्जर. ओके, अ वाइट. व्हाट इज वाइट हियर? स्वैन. सो वी विल राइट हियर एस फॉर स्वैन. S letter is given here and we have to think a word which will start from S. Okay, so we will write swan here. Okay, next word is a green. So green, what is green here? A soldier is green and this picture is green and this is green. But a green, we have to write a word which will start from L. So we will write lawn, L-A-W-N, lawn. Okay, students, in the previous class I have told you about this answer sheet, but today also I am going to tell you about the answer sheet. Okay? मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपको जो answer sheet है ये आपकी, ठीक है? मैंने आपको explain करा था, इसमें सारे answers दिए हुए हैं, ठीक है? आज मैंने आपसे discuss करा था ये plural बनाने के लिए. Puppy का plural बनाना था हमको, diary का plural, daisy का plural. ये देखिए puppy का plural यहाँ पर answer दिया है puppies, diary का diaries, and daisy प्लूरल इज डेजीज. ओके, एंड द ई में भी था बॉयज, प्लूरल बनाना था बॉय का. मंकी, डोंकी एंड की, ये सब आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. नेक्स्ट इज ये जंबल्ड जो लेटर्स दिए हुए थे जिनसे हमको वेजिटेबल का नेम बनाना था. सो ऑल द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स आर गिवन हियर, ऑल द आंसर्स आर गिवन हियर. ओके, एंड दिस वन इज जी, जिसमें पिक्चर्स थी बनी हुई, कार, शर्ट, एलिफेंट और सोल्जर, जिसमें लेटर दिया हुआ था. सो answers of that exercise are given here. ठीक है, आपको मैंने answer sheet इसलिए बताई कि ये answer sheet आपको जब इस video के बाद में आपको ये answer sheet मिलेगी and you have to do all these answers in your workbook, in your books. You have to
राइट ऑल दीज आंसर्स इन योर बुक, बट आप ट्राई ये करिए कि आप अपने आप से पहले करने की कोशिश करिए, किसी भी जैसे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है या कोई भी वेजिटेबल को फॉर्म करना है, आप पहले अपने आप से करने की कोशिश करिए और जब आपसे नहीं बनता है तब आप वर्कशीट की आंसर शीट की हेल्प लें, ठीक है। उससे स्टूडेंट्स अगर आप अपने आप से खुद से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेन उतना ही शार्प होगा और आगे आप चीज़ें खुद बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये आज का ये सब वीडियो समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक दो बार देखिए और उसको इस एक्सरसाइज को आपको बुक में सॉल्व करना है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।